कि इंडिया में किस तरह से आप गोल्ड का रेट बढ़ा है पिछले 90 साल का, मैं रिकॉर्ड आपको दिखा रहा हूं, हैव अ लुक। बहुत सब ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो आज है 13th of August, परसों है इंडिपेंडेंस डे 15th of August। सो आज की हमारी वीडियो इसीलिए है कि हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है 15th of August, हम वो क्या है उसमें, और पिछले जिस दिन हमारी फ्रीडम हुई थी, मींस कि 15th of August 1947, तब से लेके आज तक इंडिया में क्या चेंजेस आए हैं, हम बात करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के बारे में, क्या अच्छा हुआ है, क्या चीज़ें सही नहीं है तब से लेके अभी तक के, तो ओवरऑल हम इसके बारे में पूरी बात करेंगे। चलिए आगे हम चलते हैं और चलते हैं इस पे बात करने। अभी मैं वैसे जा रहा हूँ अभी हमारे ऑफिस के लिए, सो साथ साथ बात करेंगे, साथ साथ आपसे कुछ आपको अच्छे व्यूज दिखाएंगे, और मौसम बहुत बढ़िया मौसम चल रहा है आज, तो चलो चलते हैं। सो जैसा मैं बता रहा था इंडिपेंडेंस डे के बारे में, बेसिकली इंडिपेंडेंस डे हमारा सेलिब्रेट किया जाता है, इस दिन फ्रीडम हुई थी जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया पे जो राज कर रहे थे 200 साल तक, वो अपने देश वापस चले गए थे और इंडिया एक फ्रीडम कंट्री काउंट हुआ था, राइट। इंडिया जो वर्ड आया है, इंडिया जो कंट्री का नेम आया है, वो आया है इंडस नेम से, इंडस नेम से इंडिया का वर्ड बनाया गया है। तो उसमें, और जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए थे उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान का भी पार्टीशन हुआ था, जो पाकिस्तान है वो दो पार्ट में हुआ था, एक था वेस्ट पाकिस्तान, एक था ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान जो है, जिसको अब पाकिस्तान के नाम से ही जाना जाता है, बट जो ईस्ट पाकिस्तान था उसका नाम बाद में चेंज किया गया और उसका नाम हुआ बांग्लादेश, राइट। बांग्लादेश जो पहले ही पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इंडिया का डिवीजन हुआ था दो पार्ट में, एक गया था ईस्ट पाकिस्तान, एक गया था वेस्ट पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान था उसमें 30 मिलियन पीपल्स गए वहां पे, और सेम वेस्ट पाकिस्तान में 30 मिलियन गए वेस्ट पाकिस्तान में। इसके बाद जो इंडिया में लोग बचे वो थे आपके 330 मिलियन, जो कि बहुत ज्यादा है उस टाइम के हिसाब से, तो बहुत ही ज़्यादा है। अगर अब की बात करें तो अब तो काउंट ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है इंडिया की पॉपुलेशन। सो ये चीज़ें काफ़ी इम्पैक्ट करी इंडिया की, जो ग्रोथ जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से ग्रोथ नहीं हुई। आप सभी को गोल्ड बहुत पसंद होगा, डेफिनेटली मुझे भी बहुत पसंद है कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड हम ले सकें वो लें। सो अगर मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे इंडिया में गोल्ड का क्या रेट था, यू डोंट बिलीव। उस टाइम पे इंडिया में गोल्ड का रेट था 88 रुपीज़ 62 पैसा। 1947 में ये रेट था, और 72 साल के बाद, 72 ईयर्स के बाद अभी जो रेट है वो है 36,000, विच इज़ वेरी ह्यूज, बहुत ज़्यादा है 36,000। बट कोई बात नहीं, क्योंकि लोगों की सैलरीज भी उसी हिसाब से बढ़ी है। अभी आपके यहाँ पे राइट साइड में आपको एक चार्ट दिख रहा होगा जो प्रीवियस 90 इयर्स का रिकॉर्ड है कि इंडिया में किस तरह से आप गोल्ड का रेट बढ़ा है पिछले 90 साल का, मैं रिकॉर्ड आपको दिखा रहा हूँ, हैव अ लुक। तो आपने देखा कि जो 1925 में जो गोल्ड का रेट था वो था 18 रुपये कुछ, तो आप सोचो जिन्होंने उस टाइम पे लिया होगा बहुत खुश होंगे। सो उसके बाद हम बात करते हैं पेट्रोल के बारे में, पेट्रोल के चार्जेस के बारे में। उस टाइम पे जो पेट्रोल का रेट था वो था लेस देन 1 रुपी, मींस सिर्फ 0.62 पैसा पर लीटर, ये रेट था उस टाइम पे 1947 में, और अब है 75 रुपीज। तो मोर देन 75%, 75% का से मल्टीप्लाई कर दो तो उससे भी ज़्यादा है, इतना पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है। तो ये क्यों बढ़ा है? डेफिनेटली जो इंडिया में गलत चीज़ें आई उस वजह से ये गोल्ड का रेट बढ़ा है। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या गलत चीज़ें आई, प्रीवियस टाइम पे क्यों बढ़ा इन सब चीज़ों का रेट। बेसिकली अनमैनेजेबल
पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो रही है, करप्शन, जो करप्शन हो रही है, ये तीन दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से इंडिया की जो पॉपुलेशन है और आपका करप्शन, इन दोनों की वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बट हाँ, ये चीज़ ज़रूर कहेंगे कि इंडिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा हुआ है पहले से। पहले इतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं था जितना अब है। और ओवरऑल बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आज से, अभी आप एक फोटोग्राफ देख रहे होंगे, आज से 70 साल 72 साल पहले की जो कन्नौट प्लेस, जो कि आजकल एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन पॉइंट है, लोग डेली बेसिस वहाँ पे घूमने आते हैं। सो अभी आप एक फोटो देख रहे होंगे 1947 में किस तरह का था, राइट? तो ये चेंजेस बहुत से आए हैं इंडिया के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव किया गया है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ट्रैफिक ज़्यादा हुआ है, ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से जो एटमॉस्फेयर है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छी वीडियो थी पॉल्यूशन के ऊपर, कि ये दिल्ली अब रहने लायक रही नहीं। आपको ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप वहां से वो वीडियो को चेक करो, आपको ज़रूर पसंद आएगी कि किस तरह से आप पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो। जैसा कि परसों है इंडिपेंडेंस डे, तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। सो इंडिपेंडेंस डे में जैसे लोग पतंगे उड़ाते हैं, तो मुझे भी बहुत पसंद है, आप भी उड़ाओ, बट बी सेफ, प्ले सेफ, क्योंकि हर बार एक न्यूज़ आती है कि छत पे पतंग लूटता हुआ कोई गिर गया, तो यार वो चीज़ें मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है उससे, क्यों अपनी जान की बाजी लगा रहे हो, एक पतंग ही तो है। मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है, मौसम, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि ऑफिस जाऊं, बट मजबूरी है, ऑफिस जाना पड़ेगा। आओ आपको थोड़ा मौसम के मज़े दिखाता हूँ। हाँ भल्लू, को करते हैं यहीं पे क्लोज, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, दिस इज गुरप्रीत साइनिंग ऑफ, जय हिंद जय भारत। सो बट जो मैंने कहा था, प्लीज प्ले सेफ एंड बी सेफ, अच्छे से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करो, और हो सके तो सेफली। बट एक और चीज कि जो भी आप अगर तिरंगा परचेज करते हो कहीं से, तो कई बार यार बाइक्स पे लगे होते हैं या गाड़ियों पे लगे होते हैं, वो टूट के गिर जाते हैं, पैरों में आते हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। सो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से, अगर आपको कहीं भी तिरंगा गिरा हुआ मिला है तो प्लीज़ उसको उठा के साइड पे रख दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज गुरप्रीत साइनिंग ऑफ, जय हिंद, बाय।